बात का होता है कि आज वो जिसकी गोद में जाकर बैठे हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जीते जी कभी हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को राजनीतिक तौर पर बढ़ने नहीं दिया। हमेशा उनको नीचे दिखाने का कार्य किया, उनको पीछे खींचने का काम किया। आज पहली बार नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा। इससे पहले 2005 में जो दोनों बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, दोनों बार हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम किया। आज उनकी पार्टी में जो मुख्य प्रवक्ता बनते हैं, उस MLC को तोड़ने का इन्होंने काम किया, हमारे एक जीते हुए विधायक को तोड़ने का काम किया। तो जिस पार्टी ने और जिस नेता ने बार बार हमारे नेता को तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम किया, आज आप उन्हीं के साथ जाकर आप मिल गए हैं, उन्हीं के संरक्षण में आज आप मंत्री बनने के लिए आप गए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भैया आपका समर्पण हमारे नेता या उनके विचारों के प्रति कितना था। परसों जब हमारे नेता का जन्म दिवस था, उनकी जयंती के दिन, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इतने खूबसूरत शब्दों में चाचा जी को, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। पर नीतीश कुमार जी एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर, जयंती समारोह को ही करना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और जिस व्यक्ति ने आपके नेता का अपमान किया हो, आपके भाई का अपमान किया हो, और आप भैया भैया कहते नहीं थक रहे हो, आप उसी नेता के साथ जाकर आप गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको मंत्री बनने का आपको लालच था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप मंत्री बने, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट करके भी मैंने स्पष्ट किया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जनता दल यूनाइटेड आप ज्वाइन करें, मेरे लिए बहुत आसान है भैया, मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। जो बार बार ये चल रहा है कि भाई पार्टी पे दावा करेंगे, मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टी से पहले ही इन सबको निष्कासित कर रखा है। तो आज की तारीख में ये पांचों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के लोग सदस्य नहीं हैं। ऐसे में अगर ये जनता दल यूनाइटेड अगर ज्वाइन करते हैं और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अगर मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा ज्वाइन करते हैं, उसके कोटे से मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। या इंडिपेंडेंट कोटे से मंत्री बनते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से, जो कि मैं मीडिया के चैनल पे मैं देख रहा हूँ प्रमुखता से, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसी संदर्भ में मैंने उनको कल पत्र लिखा है, और उनको भी मैंने इस बात का आग्रह किया है कि भाई आप इनको किसी भी कोटे से आप मंत्री बना सकते हैं, बट अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से अगर आप इनको मंत्री बनाएंगे तो उस पर हम लोग को एतराज़ होगा। अगर ये नाम आता है कि भैया लोजपा का कोटा क्या मतलब, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जगह खाली हुई उस जगह पर आप मंत्री बना रहे हैं, तो जो व्यक्ति आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद है ही नहीं, पार्टी से जिनको निष्कासित कर दिया गया है, उनको अगर लोजपा के नाम के तले अगर उनको मंत्री पद की अगर शपथ दिलाई जाएगी तो इस पर हम लोग को ज़रूर एतराज़ होगा।